कोगाराशी एक साइकिक है जो मनुष्यों को परेशान करने वाले भूतों को भगाने में माहिर है। वह रहने के लिए एक होटल खोजता है जिधर बस खूबसूरत लड़कियां रहती है। कोगाराशी यह देखकर खुश होता है कि उसका कमरा साफ है, लेकिन अचानक उसे कुछ दीवार से चिपकता हुआ दिखाई देता है। दीवार से उस चीज को खींचने के बाद पता चलता है कि वो युना नाम की एक महिला भूत है। कोगाराशी साइकिक होने के कारण युना के शरीर को देख सकता है, पर सामान्य लोग युना को केवल एक सफेद छाया के रूप में देख सकते हैं। युना की कहानी के अनुसार वह एक भूत है जो कोगाराशी के कमरे में कैद है। इसका मतलब है कि वह चाहे कहीं भी सोए, उसे वापस इस कमरे में खींच लिया जाएगा। इसकी वजह से वो युना का रूममेट बनने के लिए तैयार हो जाता है। शाम को जब वे बात कर रहे होते हैं, एक चूहा युना के सामने आ जाता है और वह गलती से अपनी आध्यात्मिक शक्ति को सक्रिय कर देती है, जिससे कोगाराशी को बाहर फेंक दिया जाता है। अगली सुबह जब युना घर पर अकेली होती है, एक भिक्षु अचानक प्रकट होता है जो युना को खत्म करना चाहता है।